नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं, मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां आतिशी अब मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की नेता आतिशी चुनी गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को रखा था और सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव को रखा था और विधायक दल की नेता आतिशी चुनी गई हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी, और अब अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी दिल्ली की सीएम होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली से इस वक्त सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सर्वसहमति से आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया है, अब वे नई सीएम भी होंगी। किस तरह की हलचल इस वक्त राजधानी दिल्ली में? अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री का शराब घोटाले को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे थे, एक लंबे समय से वो जेल के अंदर थे। अभी दो दिन पहले जब उनको जेल से जमानत मिली तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा की कि आगामी दो दिन के अंदर मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और जो मैं मुख्यमंत्री होगा उस पर कहीं ना कहीं जो चिंतन और मंथन चल रहा था उस पर विराम लग गया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने मंत्री अतिथि को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना दिया है। आज दोपहर 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बड़ी बैठक विधान दल की बुलाई गई थी। उसमें कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया गया। उसके बाद वो चिंतन और मंथन पूर्ण होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और विधान दल की जो बैठक थी, जो तमाम विधायक पहुंचे हुए थे, सर्वसहमति से दिल्ली की सरकार में मंत्री अतिथि के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई गई। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो लगातार दिल्ली जो की राजधानी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लगातार दो दिन से जो लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी, तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक और जो तमाम दल के नेता पहुंच रहे थे, उनकी सर्वसहमति से अतिथि के नाम पर मोहर लगाई गई। अब देखने वाली बात यह होगी, आज शाम को 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी के पास पहुंचेंगे। उनसे एलजी से दिल्ली में जो एलजी है सत्यनाथ जी, उनसे समय मांगा हुआ है और वो कहीं ना कहीं शाम को 4:30 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो एक स्थिति तो साफ होगी कि दिल्ली में जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे थे, उन आरोपों को कहीं ना कहीं देखते हुए सरकार की तरफ से वो लगातार बीजेपी उनको भेजने का काम कर रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से जेल में बंद है तो तब से दिल्ली की जनता अस्त बड़ी व्यस्त और त्रस्त है। दिल्ली में जिस तरीके से जनभरा का बड़े पैमाने पर सामने निकल कर आ रहा है, उसके साथ साथ दिल्ली की जो जनता उसको कहीं ना कहीं बड़ी हानि और नुकसान पहुंची है। ऐसे में दिल्ली की जनता की विकास से अधिका रह रही है। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अब जो आगामी समय में नई मुख्यमंत्री निर्वाचित होगी वो अतिथि के नाम पर विधान दल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शाम को 4:30 बजे एलजी के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और एलजी आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा कि जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री होगी उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम की क्या तिथि रहेगी और पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना फैसला करेंगे। बिल्कुल। और अंकित देखिए, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने का और अब आतिशी को सीएम के तौर पर चुना गया है, सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया है, तो आगे की क्या रणनीति होगी पार्टी की? क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि चुनाव कराने की तैयारी में आप हैं और ऐसे में जो बैठक होनी है उसमें किन किन मुख्य बातों पर चर्चा किए जाने की संभावना है? न्यायालय उसकी तरफ से यही कहा गया था कि अगर आप जेल के अंदर है तो वहां से आप किसी प्रकार का कोई भी आधिकारिक बयान या फिर जो भी ऑफिशियल चीज है उस पर अपने सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम फैसला लिया कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दिल्ली सरकार में सहयोग यानी कि अतिथि को मुख्यमंत्री पद पर कहीं ना कहीं एक जो चिंतन और मंथन चल रहा था उनके नाम पर मोहर लगा दिया है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से क्या आगे की रणनीति रहेगी, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन एक लंबे समय से जो तमाम अटकलें चल रही थी उन अटकलों पर विराम लग गया है। तो अब देखिए किस तरीके से आगे की क्या रणनीति भूमिका आम आदमी पार्टी की रहती है। जिस तरीके का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार दबाव ऐसा बना रही थी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल को सरकार को भेजने का काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शराब ने जो युवा वर्ग उसको ढूंढने का काम किया है,
और दिल्ली के जो तमाम स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए उनमें आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसे में शिक्षा के जो तमाम विद्यालय बनाए गए उनमें भी घोटाला हुआ है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो भी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी को भेजने का काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक ये बड़ा फैसला लिया गया। आगे की क्या भूमिका आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर होने वाली है उस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। चलिए बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।